चौराहे पे मीठा खाके नहीं जाना वरना भूत पकड़ लेगा, डिल्यूजन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर जीडी भार्गव, प्रेजेंट करता हूं हमारे ऑफिशियल चैनल को अवर ब्रेन अवर लाइफ। आज हम बात करने जा रहे हैं डिल्यूजन्स की। इससे पहले मैंने स्किजोफ्रेनिया का एक वीडियो बनाया था जो लोगों ने देखा, इसके ऊपर कुछ लोगों के क्वेश्चंस आए, क्वेरी आई कि डिल्यूजन्स क्या है। डिल्यूजन्स पहली स्टेज है। अगर आपके डिल्यूजन धीरे धीरे बढ़ते हैं तो आप स्किजोफ्रेनिया की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं डिल्यूजन्स के जो इम्पैक्ट हैं वो क्या होते हैं और किन पॉइंट्स को हम नोट कर सकते हैं कि मुझे डिल्यूजन हो गया है, और अगर डिल्यूजन हो गया है तो डेफिनेटली आपको प्रोफेशनल हेल्प चाहिए। ये वीडियो एक एजुकेशनल फॉर्म के लिए है। प्लीज अगर आपको कुछ भी चीज महसूस होती है प्लीज कॉन्टेक्ट टू द प्रोफेशनल पर्सन, जो पूरी तरह एजुकेशनल। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वी रिक्वेस्ट यू प्लीज डू दैट। चलते हैं, डिल्यूजन्स क्या है हम ये समझने की कोशिश करते हैं। हमारा मिथ बिलीव, हम ऐसा बिलीव करने लगते हैं जो सच्चाई से बहुत दूर है, उसको डिल्यूजन बोलते हैं। सिंपल स्टेट। तो हमारे जो मिथ हैं जो सही नहीं है वो डिल्यूजन्स है। चौराहे पे मीठा खाके नहीं जाना वरना भूत पकड़ लेगा, डिल्यूजन है। विश्वास है, मैं मीठा खाके घर से निकलूंगा तो भूत पकड़ लेगा। मतलब भूत आपके इंतजार में है कि आपने मीठा खाया नहीं, आप पे नजर रखी हुई है, उसने सर्विलेंस चल रहा है। ऐसा नहीं होता। तो मैं 5 पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं जिससे आपको ये समझ में आएगा कि डिल्यूजन्स क्या है और ये नहीं करना चाहिए वरना ये स्किज़ोफ्रेनिया कर सकता है। तो पहला पॉइंट, बिलीव इन ऑब्जेक्ट। बिलीव सिस्टम हमारा इतना हम माइंड का स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, माइंड कॉन्शियस और सबकॉन्शियस लेवल पे स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ये दोनों माइंड क्या होते हैं इसकी डिटेल मैंने अपने वीडियोस में डाली हुई है, वॉल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। हम कॉन्शियसली अपने माइंड का इतना ज्यादा बिलीव सिस्टम कर देते हैं कि अगर मैं व्हाइट ड्रेस पहन के जाऊंगा तो नौकरी मिल जाएगी, अगर मैं व्हाइट ड्रेस पहन के जाऊंगा तो प्रमोशन हो जाएगा, अगर मैं व्हाइट ड्रेस पहन के जाऊंगा तो लड़की फ्रेंडशिप के लिए हाँ कर देगी, और लड़की है तो लड़का फ्रेंडशिप के लिए हाँ कर देगा। ये बिलीव सिस्टम क्रिएट कर लेते हैं। और रही सही उस पे एक, मैं हमेशा कहता हूं ना, करेला और नीम चढ़ा तो और कड़वाहट क्या डालते हैं कि रुको इसके ऊपर मैं छुपा के एक पीला टीका लगा देता हूँ, छुपा के मैं इस पे ना वो अगरबत्ती की धूप लगा देता हूँ, ऐसा भी करते हैं तो देखना तुम्हारा काम हो जाएगा। डिल्यूजन है। अगर ये इसी में चलते रहे आप और ये बढ़ता रहा, बहुत दिक्कत होने वाली है दोस्त, मैं आज ही बता रहा हूं। तो ऐसा बिलीव सिस्टम मत डालिए, सारे क्लोथ बढ़िया हैं। हाँ, कोई कलर पसंद हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आपको व्हाइट पसंद है, किसी को ब्लैक पसंद है, किसी को येलो पसंद है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट आप मल्टीपल कलर तो सबको पसंद है, तो आज आपने कुछ पहना है, कल आप कुछ पहनने की कोशिश करोगे और वही रखिए। तो ऑब्जेक्ट के साथ डिल्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरा ऑब्जेक्ट के साथ, तुम मंदिर के आगे माथा टेकना आज तभी काम होगा। और गलती से उस दिन काम नहीं हुआ और आपने कहा हो आज तो मैंने मंदिर के बाहर माथा नहीं टेका था ना, मैंने बताया, अरे भगवान को ऐसे नहीं चाहिए। गीता में भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकार रचते मा फलेषु कदाचन, तो कर्म कर यार, मेरे चिंता मत कर, मैं अपने आप बैठा हूं देने के लिए, तो समझ के चलिए इसे। तो पहला ऑब्जेक्टिव डिल्यूजन मत करिए। चलते हैं सेकंड पॉइंट, बिलीव इन पर्सन। ये बहुत खतरनाक सिस्टम है। कभी कभी हम बिलीव करने लगते हैं उसने मेरे को बेस्ट ऑफ लक कहा तो ही मेरा काम होगा, तो हम डिपेंडेंट हो गए। दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंस को हमने खत्म करना शुरू कर दिया। हम डिपेंडेंट होने शुरू हो गए और हम डिपेंड हैं। अगर गलती से आपका कोई काम अर्जेंट है और गलती से वो पर्सन अवेलेबल नहीं है, आप काम में फोकस नहीं करेंगे और काम खराब हो जाएगा और हम कहेंगे हमने उस पर्सन से बेस्ट ऑफ लक नहीं लिया था। और दूसरा बड़ा डिल्यूजन जो और खतरनाक है, उस पर्सन को आप भगवान बना रहे हैं, उसको लगता है मैं किसी को अगर बेस्ट ऑफ लक कह दूं तो वो देश का प्रधानमंत्री बन जाए,
तो मतलब वो कहां पहुंच गया। तो जल्दी से बहुत सारे लोगों को बेस्ट ऑफ लक लेना चाहिए जो पॉलिटिक्स में ऐसे लोगों से, और जाके प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता तो ये अगेन स्किज़ोफ्रेनिया की तरफ चलने की एक सीढ़ी है। कभी भी ऐसा बिलीफ सिस्टम मत क्रिएट करिए। और इसके अंदर ये पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम हो गया, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम भी होता है। जैसे बचपन में किसी ने, पेरेंट्स ने बच्चों को मारा, यूजली मारना नहीं चाहिए, साइकोलॉजिकली नॉट फेवरेबल, पर क्या होता है, हिंदुस्तान है, माता को तसल्ली नहीं होती जब तक बेटे को प्यार भरी और लाड भरी और दुलार भरी थप्पड़ ना लग जाए। तो ये हमारे कल्चर का एक हिस्सा हो गया, नहीं होना चाहिए। गेन हम साइकोलॉजिकली मैं इसका मना करता हूँ, बट स्टिल है। और कई बार क्या, बच्चा एक डिलूजन पाल लेता है, मेरे को इतना मारा बचपन में, मेरे माँ बाप तो बहुत क्रूर है, वो ये भूल जाता है कि वो आपको क्यों मारा, आपका क्या फायदा होगा उससे, आज आप किस स्टेज पे पहुंचे हैं उसकी वजह, सब कुछ भूल जाता है। तो ये नेगेटिव डिल्यूजन है। या वो जो लड़की है ना, वो बस जब से आई है मैं बर्बाद हो गया हूं, ये अगेन नेगेटिव डिल्यूजन है। कोई पर्सन के आने से आप बर्बाद नहीं हो सकते, फिर तो भगवान की जरूरत नहीं, पर्सन इज इनफ। ठीक है, तो आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे। बिलीव इन मिथ। हम एक मिथ क्रिएट करते हैं, फेक मिथ होता है, डिलूजन सारा ही फेक है, पर ये मिथ क्रिएट करते हैं। मेरे को रात को एक साउंड सुनाई देती है, वो मुझे भविष्य बताती है। और हिंदुस्तान में ऐसे लोगों के पास लाइन में लग जाती है, कमाल है। तो दोनों लोग डिलूजन में है, सुनने वाला भी और कहने वाला। अब उसको क्या सुनता है या नहीं सुनता, या माइंड ही अपने आप क्रिएट करके उसको दे रहा है, वो उसी को मालूम है। या प्रोफेशनल जब एनालिसिस करते हैं तो हम लोगों को मालूम चलता है कि भाई इसकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। और कुछ ऐसे भी हैं, वो कहते हैं कोई बंदा है मेरे अंदर, वो मुझे कंट्रोल करता है। अब वो पर्सन क्या कंट्रोल करता है, ऐसे लोगों से पूछा जाए, वो कहता है मुझे ऐसा करो, वो कहता है मुझे ऐसा मत करो, तो ये भयंकर डिल्यूजन है। ये स्टेजेस बढ़ रही है डिल्यूजन की, तो हमें इमीडिएटली इस पे एक्शन लेना चाहिए और ऐसा भी नहीं करना चाहिए। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे, बिलीव इन सेल्फ गोल। ये एक और बड़ा, बहुत बड़ा डिल्यूजन है कि हम ये समझने लगते हैं इस दुनिया में सारा ज्ञान मेरे पास आ गया। ये आपने फेसबुक पे भी अभी देखा होगा, सोशल मीडिया पे बहुत से लोग कोरोना के डॉक्टर बन गए थे, फिर वो इकोनॉमी के डॉक्टर बन गए, फिर वो कोरोना के साइड इफेक्ट के डॉक्टर बन गए। जबकि उनसे पूछा जाए, यू हैव सम प्रोफेशनल बैकग्राउंड, पर वो बहुत सारे ज्ञान दे रहे थे। सो हम प्रोफेशनली ये समझने लगते हैं कि हम बहुत ज्ञानी हो गए और हम ही भगवान हो गए, और फिर हम साइंस को, हम साइंस के बैकग्राउंड को, जो साइंटिफिक प्रूवन है, उनको भी झुठलाने लगते हैं। मैं आपको एक छोटा सा अपना शेयर करता हूं, इससे केस स्टडी। एक पर्सन मिला मुझे एंड ही वाज सेइंग दैट कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया, मेरे को ज्ञान हो गया, मैं इस ज्ञान में बहुत आ गया। मैं आपको बताता हूं कि ये अर्थ जो है ना, पृथ्वी, इसको 5,000 साल हुए सिर्फ बने हुए। मैंने कहा भाई, साइंटिस्ट तो ये कहते हैं 4.5 बिलियन ईयर हो गए, आप सिर्फ 5,000 ईयर हो, साइंटिस्ट को कुछ नहीं आता, पागल है। जब बीइंग अ साइक्लोसिस्ट मैंने उसे कहा भाई कोई बात, जब मैं चलता हूं शायद साइंटिस्ट गलत होंगे, क्योंकि ऐसे लोगों से आप बहस नहीं कर सकते, उनको करेक्ट करने के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट ही है और कुछ नहीं। तो जब आप जा रहे हो तो वो आपके साथ साथ जा रहा है। He is trying to explain. भाई मुझे क्यों explain कर रहा है, मेरे को नहीं सुनना, but he is trying to explain. क्योंकि he is believing that he is actual God. जो वो कह रहा है वही सत्य है। Science, everything is false. आ रही immediately ऐसे लोगों को क्योर करने की कोशिश कर रही है। ये केस स्टडी है, फिर हमारे पास आया अंदर भी ट्राई टू क्योर है। आगे चलते हैं आर्टिफिशियल बिलीफ। ये तो बहुत बड़ा बिलीव है, हम बहुत सारी चीजें आर्टिफिशियल बिलीव करते हैं। ये बच्चे होते थे ना,
ये हम सोशल, हमारा माइंड इस कंप्लीट डेवलप नहीं हुआ, जैसे एक्टिव और कॉन्शियस माइंड ये डेवलप नहीं हो रहा, इसकी प्रॉब्लम है आपकी। अगर आप आर्टिफिशियल बिलीव करते हो, आपको अपने कॉन्शियस माइंड को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। खुद कर पाए बहुत अच्छा, नहीं तो प्रोफेशनल हेल्प नहीं। कैसे, इसका मैं छोटा छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। जब आप कोई बच्चे थे, कभी किया, ईमानदारी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में, अगर आपको कुछ याद आता है कि यार आज तो मैंने ना वो नहीं किया, क्या कहते हैं उसे, होमवर्क नहीं किया, टीचर मारेगी, तो आप क्या टोटका करते थे? मैं टोटका, मुझे याद है, आपके पास कोई और हो तो प्लीज बताइएगा, कि पत्थर पे पत्थर रखो, टीचर आएगी नहीं, छुट्टी ले लेगी। छोटा होता है, बच्चा होता है, कॉन्शियस माइंड उसका डेवलप नहीं हुआ होता, तो वो सोचता है बस यही एक तरीका है टीचर को छुट्टी पे भेजने का। और ऐसा ही ये मिथ हमारा बढ़ने लगता है, फिर हम बड़े होकर 100 रुपए में भगवान को खरीदना चाहते हैं, ये 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, मेरे काम करवा देना। करेक्ट, ऐसा नहीं है। तो ये जो आर्टिफिशियल बिलीव है वो बहुत ही गलत है। जैसे मेरे पास एक स्टडी और है, मेरे पास एक पर्सन आया था जिसका ट्रीटमेंट हुआ, उसने बोला सर मैं एक ऐसा आदमी हूं, मैं किसी की किस्मत बदल सकता हूं, अगर आप चाहो तो मैं आपकी भी बदल सकता हूं। मैंने कहा बिल्कुल बदल सकते हो, आई नो यू हैव द पावर, लेकिन आप खुद की क्यों नहीं बदलते? यू बिकम ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, किस्मत बदल सकते हो, एंड हायर मी एज ए कंसल्टेंट, क्योंकि मैं बहुत अच्छा लाइफ कोच हूं, जो मेरी एक्सपर्टीज है मैं लोगों को गाइड करता हूं। और जब वो ठीक होके गया तो ही वाज जस्ट लाफिंग कि व्हाट द हेल आई वाज टेलिंग यू। तो आप ऐसा समझिए, जो ऐसे लोग हैं जो किस्मत बदलने का दावा करते हैं वो भी डिल्यूजन हैं, या आर्टिफिशियली पैसा कमाने का धंधा भी हो सकता है। फिर भी इस बारे में कोई कमेंट हो, क्वेश्चन हो, प्लीज करिएगा, मोस्ट वेलकम, वी लव टू हियर फ्रॉम यू। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जल्दी मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।